फाइनली गाइस टिकटॉक इंडिया में बैन हो चुका है। टिकटॉक बैन होने के बाद जो टिकटॉक यूजर है या फिर छोटे यूट्यूबर है क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए टिकटॉक जो बैन हुआ है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं है तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखना। यदि आप टिकटॉक यूजर है या फिर यूट्यूबर है या फिर यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं 2 साल का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ जो हमारे साथ हुआ है। बेसिकली मैंने ये चैनल 1 से 1.5 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था। इस चैनल पे मैंने टूर एंड ट्रेवल्स का मैंने वीडियो अपलोड किया करते थे, लेकिन यहाँ पे हमारे वीडियो पे लाइक चेंज व्यूज नहीं आ रहे थे। इसके बाद मैंने यहाँ पे टिकटॉक ट्यूटोरियल देना स्टार्ट कर दिया तो हमारे वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो गया था। जो हमारा यूट्यूब चैनल था यहाँ पे धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट हो गया था। तो आप देख भी सकते हैं 1 साल के आसपास हमारा चैनल हो चुका है। इस चैनल पे 3500 के आसपास सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाला है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि तुम्हारे छोटे भाई का ही ये चैनल है। इसके बाद क्या हुआ, मैंने यहाँ पे 700 से 800 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जो टिकटॉक के ही रिलेटेड वीडियो अपलोड मैंने कर चुका हूँ। तब अब प्रॉब्लम क्या है, जो टिकटॉक जो यहाँ पे बैन हो चुका है, पहले जो था हमारे वीडियो पे अच्छे खासे व्यूज आ जाते थे, यानी कि 24 से 48 घंटे में 10,000 के आसपास व्यूज आ रहे थे, लेकिन अब जो है बिल्कुल लो हो गया हुआ है, क्योंकि जितने भी वीडियो थे एक भी वीडियो पे हमारे व्यूज नहीं आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा फेस कर रहा हूँ मैं, देख रहा हूँ आजकल, और जो भी वीडियो अपलोड भी कर रहा हूँ उस वीडियो पे भी लाइक्स एंड व्यूज काफ़ी ज़्यादा कम आ रहे हैं। ये बताओ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है, ये वीडियो जो आप देख रहे हो नोटिफिकेशन से देख रहे हो या फिर ब्राउजर फीचर्स से देख रहे हो, तो ये कमेंट करके ज़रूर बता देना। जो यूट्यूब पे मैंने 700 से 800 वीडियो अपलोड किया हूँ सारे के सारे वीडियो डैड हो चुका है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 से 1.5 साल मेहनत कर चुका हूँ, लेकिन आप सोच सकते हैं 1 से 1.5 साल में मैंने 700 से 800 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आज सारा के सारा वीडियो हमारा बर्बाद हो गया एक तरह से सोचा जाए तो। क्योंकि आपको पता है टिकटॉक बैन हो चुका है इंडिया में और हमारा वीडियो कोई भी नहीं देख रहे, और इससे सोचो मत यार कितने मैंने मेहनत किया था। तो ये सब प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। अभी भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो वीडियो पे लाइक चेंज व्यूज नहीं आता यार। यहाँ तक आने के लिए आप देख भी सकते काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। मैंने वीडियो पहले जो देख सकते मैं नॉर्मल वीडियो बनाया करता था जिसमें वॉइस भी सही नहीं था, बैकग्राउंड भी सही नहीं था, तो यहाँ पे मैंने लाइट हो गया, बैकग्राउंड हो गया, देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी कुछ चेंज मैंने कर दिया। ये सब प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा फेस कर रहा हूँ इस समय, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिमोटिवेट हो चुका हूँ क्योंकि वीडियो पे व्यूज नहीं आ रहा है। ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि आप लोग बता सकते हैं अब जो टिकटॉक तो बैन हो चुका है अब किस टाइप के आपको वीडियो देखना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे टिकटॉक की जैसा कई सारे एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है। रोपोसो ऐप के बारे में वीडियो बना दूँ या फिर इंस्टाग्राम रील्स के बारे में वीडियो बना दूँ, आप लोग कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताना। तो यदि आप लोग एक यूट्यूबर है या फिर टिकटॉकर है तो आप सोच भी सकते हो छोटे यूजर के साथ अगर इस प्रकार के प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो बड़े टिकटॉक यूजर है जो 4 साल 5 साल मेहनत की है इसके बाद अचानक से टिकटॉक बैन हो जाता है तो किस तरह से उसे लगेगा। कई सारे यूट्यूबर भी ऐसे हैं जो टिकटॉक के रिलेटेड वीडियो बनाते थे तो उसका वीडियो जाकर देख सकते हैं या फिर उनके चैनल जाकर देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, उनके वीडियो पे व्यूज बिल्कुल कम आ रहे हैं। ये छोटे यूट्यूबर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने देखा हूँ लाख लाख सब्सक्राइबर, 1-1 लाख सब्सक्राइबर है उसका भी यही हाल है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा लो व्यूज हो चुका है। और सिंपल से पता है जो इतने ज़्यादा मेहनत करते हैं और उनके वीडियो पे व्यूज नहीं आएंगे। आपको पता है पहले जो था 1 से 1.5 हज़ार पे $1 के आसपास आ जाता था, अब तो पता है कि 7,000 8,000 होने के बाद भी $1 आता है और इसके बाद अब व्यूज भी नहीं आ रहा है। तो अब क्या होगा, किस तरह से वीडियो बनाएं, किस टॉपिक्स पे आप लोगों को वीडियो चाहिए यार बता दिया करो। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद है लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सैलेंज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।